सूरज का दिल तो धड़क धड़क के बाहर आ गया। दिखा सूरज, धक 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 धक। ओए सूरज क्या कर रहा है, जगह देख रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज ब्लॉग घर से नहीं चालू है, आज ब्लॉग पेट्रोल पंप से चालू है। एक्चुअली क्या हुआ, मैं ज़रा थोड़े जल्दी में हूँ क्योंकि अभी जाना है सूरज को पिक करने के लिए। आज हमारा राइड पार्टनर वही है पिलियन के दौर पे। एक्चुअली गाड़ी में फ्यूल भी कम था, जल्दी जल्दी मैं आया घर से निकल के, और उसके बाद अभी क्या ही बताऊँ क्या क्या निकल रहे हैं यार। रुको ज़रा फुर्सत हो जाऊँ। भाई साहब भाई साहब। सो फ्यूल भरा लिया लेकिन कांटा अभी तक नहीं उठाया फ्यूल का, तो पता नहीं कितना पेट्रोल होगा। एक्चुअली एक बात मुझे पता चली है बाइक के बारे में, अगर फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक में एकदम से पूरा फुल जो कराते हैं फ्यूल टैंक, वो नहीं कराना चाहिए। बाद में ऐसा शोरूम से मुझे पता चला कि बाद में इग्निशन को प्रॉब्लम होता है जब फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा हो जाता है, मतलब ओवरलोड वो एयर नहीं ले पाता है, तो उसके बाद इंजन को प्रॉब्लम होने लगता है। मतलब आप पेट्रोल फुल ना ही कराओ तो ये अच्छा है, थोड़ा सा 1-2 लीटर का गैप उसमें रख दो। और वैसे तो अभी धीरे धीरे उठा तो रहा है फ्यूल, चलो कराया तो है मैंने भी, सिर्फ थोड़ा सा गैप रखा है। और पहले तो अभी चलते हैं सूरज के पास, कोथरूड जाएंगे क्योंकि आज हमें निकलना है देवकुंड वाटरफॉल के लिए क्योंकि पिछले बार मेरा ऐसे ही रह गया था, हम लोग वहाँ से जाके रिटर्न आ गए पर वाटरफॉल तक नहीं गए थे, बिकॉज़ क्योंकि शाम हो गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता था, इसके वजह से हम लोग नहीं रुके। उसके बाद रिटर्न आ गए, हम बोले फिर कभी करेंगे, तो इसके वजह से अभी तो सूरज भी रेडी हो गया होगा। जब फ़ोन किया था उसको 4 बजे से मैं परेशान कर रहा हूँ तो अभी रेडी हो गया होगा, अभी तो पहले चलता हूँ उसको पिक करता हूँ, उसके बाद हम निकलेंगे क्योंकि वो रहेगा साथ में, मुझे तो कोई टेंशन भी नहीं रहेगी क्योंकि गाड़ी भी अच्छी चलाता है और सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट भी रहेगा मुझे, और उसे ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में मालूम है कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, क्योंकि वो घूमा टहला है और मैं तो अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ घूमना टहलना जब से भाई को एक आई है, तो इसके वजह से। और भाई एक बात बोलूँ, लाइफ में यार दोस्त ना हो घूमने फिरने के लिए तो मज़ा ही क्या है यार। एक्चुअली हम चलते चलते आ गए मुलशी, और मुलशी में क्या व्यू है, मतलब इतना सही व्यू है आपको दिखाता हूँ। यहाँ सामने जितना नीचे दिख रहा है खेत है, धान लगाया हुआ है, धान की खेती की है, और इतना खूबसूरत लग रहा है ऐसे ऐसे लाइन से जैसे अपना क्या बोलते हैं भारत का मैप नहीं होता है उस टाइप में लग रहा है, इतना खूबसूरत दिख रहा है। और ऊपर में पहाड़ पे जो क्लाउड है भाई साहब, और यहाँ पे हमारे सूरज पहुंचने वाले हैं, स्वर्ग में पहुंच गए भाई, क्या व्यू कसम से बता रहे हैं, स्वर्ग में पहुंच गए ऐसे लग रहा है, ऐसा लगता है स्वर्ग, सूरज को स्वर्ग तो यहीं पे फील हो रहा है ऊपर जाने के बाद स्वर्ग कहाँ लगेगा पता नहीं ऊपर जाने के बाद पता चलेगा, इतनी भी ऊपर नहीं वे भाई, पर सच बोल रहा हूँ आज का दिन ना कमाल है, धमाल है, एकदम बेस्ट दिन है। और भाई ये चीज़ें देखने के लिए ना भाई कोई भी तरसेगा, और इस सीज़न में भाई अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी तो भाई पूरे साल भर वो चीज़ तरसनी पड़ती है। और यहाँ पे मेरी बाइक, सूरज ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं हेलमेट लेके आऊँगा, कसम से भाई हेलमेट तूने लाया, जिंदगी में पहली बार हेलमेट पहन रहा हूँ तेरी भाई। और वैसे मैंने ज़्यादा सामान कैरी नहीं किया, बट यही टैंक बैग इसमें मेरा, और मैंने कैमरा भी दो ही GoPro दोनों रखे हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं रखा क्योंकि हमें वाटरफॉल देखने जाना है, तो मैं कैमरा ज़्यादा ये रख के भी क्या करूँगा, इसकी वजह से थोड़ा चलता है यार आज के दिन। और छोटी सी राइड है, इतनी बड़ी भी नहीं, शाम तक रिटर्न को घर को आना, बट यार व्यू सच में
माहौल बन गया है यार यहाँ पे। माहौल यार गलती से साला धूप निकल रहा है बे। भाई साहब धूप ना निकले इसी रे मजेदार। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, बहुत ज्यादा। चले सो अभी ने थोड़े फोटो निकालते हैं और निकलते हैं यहाँ पे। बॉडी है भाई कसम से बता रहा, बॉडी जिस दिन बन जाएगी ना फाड़ डालेगा। लेकिन कब बनेगी बे? बन जाएगी यार, अपने अपने को भी बनाना यार। आज बाल खराब नहीं हुए, आज अच्छे दिख रहे हैं। बट बाल अच्छा है यार मेरे साथ है ना। वैसे वैसे सूरज का सनग्लासेस है, सूरज ने दिया फोटो शोटो लेके लिया। भाई आया साथ में तो अब दोस्त नहीं काम आएगा तो कब आएगा। तामनी घाट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे यार क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं यार। मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरा इतना दिल खुश हो गया आज का दिन निकल के। आज का थोड़ी अब ऐसे मौसम में निकलेंगे तो बारिश तो मिलेगी। और क्या ही खूबसूरत है। और एक मिनट व्यू दिखाता हूँ आपको। बस क्लाउड यार आज तो पूरे बादल में, मानो आधा जो माउंटेन है ना वो बादल में ही है। और ये रहे छोटे छोटे मंकीज, अरे कितने सही हैं। सब भाग गए देखो यार। दिस इज़ द ब्यूटी मैन, दिस इज़ द ब्यूटी, आई लव। और बीच बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे वाटरफॉल, एक वहाँ पे है एक वहाँ पे है, ऐसे बीच बीच में कई सारे वाटरफॉल हैं। और वो मंकी हमें देख के डर गया तो भाग रहा है, क्योंकि सूरज उसे डरा रहा था, बंदर बंदर को डरा रहा है। बाकी कुछ नहीं यार, आज और भी दोस्त होते तो और मज़ा आया होता, जैसे कि सौरभ हो गया, ऋतिक हो गया, अभिजीत हो गया, इन सब का सब अपने अपनी जगह बिजी थे, सिर्फ हम ही खाली थे तो हम निकल गए। बट सच में यार ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ट्रिप है मेरा, और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल अभी तक का। अभी देखिए आगे कितना ब्यूटीफुल मिलेगा ट्रिप अपने को नहीं मालूम अभी, क्योंकि जब से यूट्यूब चालू किया, घूमना चालू किया ना, अभी तो पूरा दुनिया देखना बाकी है यार। तो देखेंगे यार। मैं क्या बताऊँ यार, मैं मेरे पास शब्द नहीं निकल रहे बोलने के लिए। ये जो क्लाउड है ना, सब क्लाउड अपने तरफ भागते हुए आ रहा है। अभी थोड़ी देर में हम क्लाउड में होंगे तो आपको वो भी फुटेज, आपको वो भी फुटेज दिख जाएगी भाई, उस समय फुटेज मारने का। हाँ भाई जरूर। और भाई क्या यार, तू इतना हैंडसम कहाँ से दिखता है यार, कहाँ से? मैं हूँ बे, हैंडसम हूँ तो दिखूंगा नहीं। और भाई के ऊपर लड़कियाँ इतनी मर जाती, क्या ही बताऊँ यार, क्या ही बताऊँ भाई। है हम पे क्यों नहीं कोई डोरे डालता यार। भाई फुल सेल्फी पे सेल्फी, हाँ फुल सेल्फी पे सेल्फी। बंदी देखेंगे तभी बोलेंगे ना। सही है।
ओहो क्लाउड क्लाउड आ रहा है। अरे यार यहाँ तक आ गए यार, अभी ये सब अपनी तरफ आएगा, सब आएगा, सब कुछ आएगा अपनी तरफ और फोटोज निकालने का मौका मिलेगा अपने को। मैन सो हमने ध्यान नहीं दिया, नीचे से नीचे एक वाटरफॉल है जो सीधा ऊपर का पानी, वहाँ वो जो वाटरफॉल नहीं दिखाया वहाँ से सीधा पानी ऐसा नीचे आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा पानी। कुछ शब्द बोलना चाहोगे? मेरे तो शब्द नहीं निकल रहे यार सूरज। हाँ शब्द कम पड़ रहे हैं, शब्द कम पड़ रहे हैं। थोड़े टाइम बाद हम भी कम पड़ जाएंगे यार, ठंडे पड़ जाएंगे। आई थिंक ये तामनी घाट में है, तो अगर वीडियो बड़ा हो गया तो दो पार्ट में वीडियो आएगा, क्योंकि मेरे जो भाई इतनी खूबसूरती मैं अवॉइड नहीं कर सकता यार, मैं सब डालूंगा, जितना शूट हुआ मैं सब डालूंगा जी, उसमें से कुछ कुछ ही छोड़ूंगा, बाकी सब डालूंगा वीडियो में। और जैसे कि अगर हुआ कि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो जैसे 20 मिनट होगा तो उसको दो पार्ट में करूँगा 10-10 मिनट का, तो यार ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए, इसमें दिल वाली फीलिंग निकल रही है, दिल वाली एकदम। सूरज का दिल तो धड़क धड़क के बाहर आ गया, दिखा सूरज, धक 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 धक, हार्ट बीट बढ़ रही है। आज फुल टाइम पास हो रहा है, फुल टाइम पास हो रहा है। सो अभी हम बादलों के बीच में, बादलों के बीच में, कभी इमेजिन नहीं किया था कि बादलों के बीच में रहेंगे। हैव अ लुक, हमारे पीछे देखो पूरा क्लाउड ही क्लाउड है, एकदम आसमान भरा हुआ है, गाड़ियां तक यहाँ तक नहीं दिख रही हैं। ओहो ये तो अभी थोड़ा कम हो गया था, नहीं तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये वायर है, लाइट का वायर गया हुआ, ये भी नहीं दिख रहा था। सच्ची खूबसूरत है, अब निकलते हैं हम ये यहाँ से। इतना खूबसूरत मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में भाई, ये बोलता है ट्रिप का मज़ा। चले भाई 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 को नेचर कॉल आया था तो भाई गाड़ी भी रोक दिया, और क्या हुआ वीडियो बहुत ही बड़ा मेरे हिसाब से हो रहा है, तो तामनी घाट तक का वीडियो यहीं तक है, तो अब इसके आगे दूसरा ब्लॉग चालू करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो लोगों को देखने में मज़ा नहीं आएगा। अरे सूरज क्या कर रहा, जगह देख रहा है। कोई नहीं, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यार आज का जो खूबसूरती था मेरे मुँह से, ये खूबसूरती सब ना जा ही नहीं रहा, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ सब खूबसूरती है, और ये पहाड़ दिख रहे और बाहर एक जैसे पार्ट में डिवाइड हुए वहाँ से वाटरफॉल नीचे आते हुए दिख रहा, हमने तो बहुत आगे कैमरा इतना, मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ तो इतना जूम नहीं होता, बट फिर भी यार है, सही है यार, वाव मैन। वहाँ एक वाटरफॉल बड़ा सा दिख रहा है यार, तामनी घाट घाट यार, पहले जब आया था कुछ मज़ेदार नहीं था, बट यार लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है तामनी घाट, आना चाहिए, विजिट करना चाहिए यार यहाँ पे। हमने तो बिन मौसम में
विजिट किया था, आप इस मौसम में विजिट करके देखो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यार ज़्यादा वीडियो नहीं, बड़ा नहीं करूँगा, आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हमारे इंस्टाग्राम को भी, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना और सूरज को भी फॉलो कर लेना, आईडी आ रही है।